तो क्या है कि मैं तो आदमी दिलाने वाला हूँ, रोपी रोको फांसी। लेकिन तुम कहोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है, ये मुझे टिप्सन ने डाल के दिया है। मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ कैसे होगी मुझे फांसी। तो गेमर्स, हम किसी को मारते हैं तो क्या होता है, एक स्टार आ जाता है, और उसके अलावा और लोगों को मारते हैं तो बहुत सारे स्टार आ जाते हैं, लेकिन इतने भी नहीं आते, 5 स्टार आने के बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस बार पूरे 5 नहीं 8 स्टार आने वाले। जब 5 स्टार पुलिस रोपीरो को अरेस्ट करती है तो उसे जेल में डाल देती है, लेकिन ये 8 स्टार पुलिस ऐसा नहीं करेगी। उसे अरेस्ट तो कर लेगी लेकिन उसे छोड़ेगी नहीं, उसे सीधा लटका देगी फांसी पर। तो गेमर्स अभी जल्दी से करते हैं 8 स्टार। लेकिन वो शुरू करने से पहले यहाँ पर थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, ये बॉस फाइट लेते हैं। ओ ये आ रहा है रोबोट, मुझे लेकिन कोई परवाह नहीं, मेरे पास बहुत सारी गन है। ये देखते हैं ये क्या बिगाड़ता है, वैसे भी ये वाली गन इसके लिए भारी है। छोड़ गेमर्स, इसको चांस भी नहीं देते, जल्दी से अपनी टॉफ निकालते हैं। अब ये ले बिग बॉस, अब ये हैंडल कर, बड़ा आया था बिग बॉस। ये तो 2 ही RPG में पूरा हो गया, इसको मैंने कितनी जल्दी खत्म कर दिया RPG से, तुम सोच ही सकते हो। मैं तो यूं कर लूंगा 8 स्टार, मुझे थोड़े बहुत हेलीकॉप्टर तबाह करने होंगे और रोबोट भी। तो गेमर्स मैं अभी आ चुका हूँ मिलिट्री बेस के सामने, अगर मैं यहाँ घुसूंगा तो 3 स्टार फ्री के ही हो जाएंगे। है इनके पास तो ये पिजन भी है, इनके पास मिलिट्री कबूतर भी है, इन्होंने तो कबूतर भी रखे हुए अपनी मिलिट्री में। और तो क्या है, मैं आ गया। ओ नहीं गेमर्स, स्टार भी आ गए और ये टिगर भी हो गए, ये मुझे मारने आ रहे। इनको लग रहा है मैं इनका ये टैंक चुराने आया, लेकिन मैं टैंक चुराने नहीं आया, मैं तो इनको ये टेस्टी ब्रेड खिलाने आया। ओ गेमर्स, लगता है इस ब्रेड से बात ऊपर चली गई है, इतने सारे यहाँ पर आ गए। अब बताओ ये तो एक एक जाएंगे, मुझे बस इनको मारते रहना है, फिर हो जाएंगे मेरे 8 स्टार। उसके बाद हम देखेंगे रोपीरो को फांसी कैसे देते हैं। बस इतने ही थे, ये तो खत्म हो गए, ये 1-2 बचे। अरे इनको क्या हो गया, अपने हेलीकॉप्टर को नहीं भेज रहे, वैसे तो हेलीकॉप्टर बहुत जल्दी आ जाता है। अब ये लोग इस हेलीकॉप्टर को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। लो मैंने इनका हेलीकॉप्टर भी फाड़ दिया, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं भेजा, सिर्फ ये आ रहे बार बार मार खाने के लिए। शायद से इनका हेलीकॉप्टर रास्ते में होगा, मार खाने के लिए आ रहा होगा मेरे पास। ओ तो गेमर्स तुम देख सकते हो पूरे 4 स्टार हो गए, लेकिन इन्होंने अभी तक हेलीकॉप्टर ही नहीं भेजा, ये तो बच्चों की तरह आ रहे और जा रहे। हेलीकॉप्टर भेजे तो RPG भी चलाने में मजा है, लगता है इन सालों को खुद लड़ने का शौक है। अबे हेलीकॉप्टर भेज या रोबोट भेज या टैंक भेज, कुछ भी भेज। और ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ रहा है, वो गेमर्स इनके पास ज़ॉम्बी भी है, मुझे लगता है इस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। ओ वेलकम वेलकम, इनकी कार भी आ गई। तो गेमर्स अब इस कार को फोड़ते हैं, 5 स्टार तो पक्के, इसका तो काम हो गया। ओ गेमर्स इन्होंने हेलीकॉप्टर भी भेजा है, ये देखो इस कार के साथ आया है ये, और मेरे पूरे 5 स्टार भी हो चुके हैं, इसको तो मैं यूं ही फाड़ दूंगा, ये RPG है कोई मजाक नहीं। अरे नहीं गेमर्स, इन्होंने तो मुझे घेर लिया, इनको कब से नहीं मारा, ये बहुत सारे जमा हो गए, सारे के सारे स्केलेटन बन गए। अबे तू बच गया, इसको अलग से खाना था शायद। अरे ये भी चला गया। तो गेमर्स अभी देखो तुम पूरे 5 स्टार हो चुके। अरे ये मिलिट्री टैंक भी आ गया, इसे तो फाड़ने में मजा आएगा, इसके बाद पूरे हो जाएंगे 6 स्टार। हमारा 6th स्टार यहीं पर, ये ओ ये छुप रहा है मेरे से, नहीं ये पीछे से। ओ गेमर्स ये पीछे से रोबोट भी आ गया, लेकिन इसे नहीं पता मेरे पास RPG है। ओ तो गेमर्स ये देखो एक और स्टार आ चुका है, और ये स्टार रेड स्टार है, रेड मतलब खतरनाक डेडली स्टार, ये पहला स्टार है, हमें ऐसे 2 और चाहिए, इसके लिए इस मिलिट्री टैंक को खत्म करना पड़ेगा। अरे नहीं ये क्या हो गया। तो गेमर्स अभी आ चुकी है फाइनल मूवमेंट, तुम देख सकते हो वो रहा टैंक मेरे सामने, और मैं इसे इस ब्लास्टर से ब्लास्ट करने वाला हूँ, फिर हो जाएंगे पूरे 8 डेंजरस स्टार। ये वाली गन इसे छोड़ेगी नहीं, बस ये एक बार इसको लग जाए और बस ये। ओ तो गेमर्स ये देखो पूरे 8 स्टार आ चुके हैं, अभी बस मुझे किसी कार में जाना है और अरेस्ट होना है। ये फिर से आ गए, मैंने अभी मारना बंद कर दिया। गेमर्स ये देखो ये रोबोट से कैसे लड़ रहा है, इसमें तो बहुत हिम्मत है, इसकी जगह मैं होता हूँ तो ये रोबोट मुझे जल्दी मार देता है। इसने तो अपनी बस तलवार निकाली हुई है और मारे जा रहा है रोबोट को, लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। ओ तो गेमर्स ऐसा ही हुआ, ये टपक गया। ये कार मुझे परफेक्ट लग रही है, यहाँ पर बैठ जाते हैं, अभी बस मुझे वेट है कोई आ जाए और मुझे अरेस्ट कर ले। ओ ये भागा भागा आ रहा है, अबे जल्दी से आ जा, अरेस्ट कर, गेट खोल। अरे ये लगता है अरेस्ट नहीं कर पाएगा, हाँ यहाँ से आ जा, अभी ये मुझे आसानी से अरेस्ट कर लेगा, अबे जल्दी खोल। और तो गेमर्स अभी इसने मुझे निकाल लिया है, ओ इसने मुझे अरेस्ट कर लिया, बस स्टैंड आ चुका है। तो गेमर्स मैं बस स्टैंड आ चुका हूँ, जिसका मुझे इंतजार था, अब देखना अब क्या होगा रोपीरो के साथ। लेकिन रोपीरो अभी बहुत सैड है, क्योंकि इसके बाद रोपीरो की लाइफ नहीं रहेगी, उसे हो जाएगी फांसी। आखिरी बार देख ले वाइस टाउन को, इसी शहर में तू चोरियां करता था, इसी शहर में तूने बहुत सारे लोगों को मारा है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है। वो तो गेमर्स रोपीरो को इन्होंने 15 सेकंड का टाइम दिया है फाइन पे करने के लिए,
अगर ये मैं फाइन पे करूंगा तो ये मुझे छोड़ देंगे, लेकिन ये तुम फाइन भी देखो कितना है, 10 बिलियन का। क्या गेमर्स तुम्हें पता भी है बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन 100 करोड़ होता है। ये तो 1000 करोड़ मांग रहे। इतने तो रो पीरो के पास डायमंड भी नहीं। जाकर भी रो पीरो खुद को नहीं बचा सकता। ओ तो गेमर्स ये लास्ट के अभी 3 सेकंड बचे हैं। 1 2 ओ ये 3 भी हो गए। ओ गेमर्स मैं अभी आ चुका हूँ जेल में। तो क्या है तुम मरने वाले हो? तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा ही टाइम है। हम मरने वाले की एक इच्छा पूरी करते हैं। ओ तो मुझे निकाल दो। इतना मासूम नहीं है तू। तूने बहुत सारे पुलिस वालों को मारा, मिलिट्री वालों को मारा, एयरक्राफ्ट तबाह किए, ट्रांसफॉर्मर फाड़े। तुझे हम नहीं छोड़ सकते। तुझे तो होकर रहेगी फांसी। जहाँ तक बात रही तेरी आखिरी इच्छा की, तुम्हारी आखिरी इच्छा में तुम सिर्फ खाना मांग सकते हो। ये वाइस टाउन का कानून है। फांसी देने वाले को एक बार उसका पसंदीदा खाना खिलाते हैं। तुम बताओ तुम्हारा कौन सा पसंदीदा खाना है? अगर नहीं बता रहे तो हमारा क्या है? हम तो तुम्हें ऐसे ही फांसी दे देंगे। ओ तो गेमर्स, लेकिन मैं क्या करूं गेमर्स? मेरे दिमाग में कोई भी खाना नहीं आ रहा। कल मुझे फांसी होने वाली है। ऐसे टाइम पे खाना कैसे आएगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं चला जाऊंगा। ओ नहीं गेमर्स, मुझे जल्दी बताना पड़ेगा। लेकिन अगर गेमर्स मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? इस क्वेश्चन को इतना डीप मत लेना। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ हो, मगर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम जल्दी से कमेंट में अपना पसंदीदा खाना बताओ। जल्दी बोल। ओ तो गेमर्स मैं ये मंगवाता हूँ। तो ठीक है, ये सब मिलकर आ रहा हूँ। A few minutes later. मैं आ गया। अरे नहीं गेमर्स, ये इतनी जल्दी आ गया? ये लो तुम्हारा लाइफ का आखिरी खाना। ओ तो गेमर्स तुम ये देख सकते हो मैंने क्या मंगवाया है। मैंने कुछ नगेट्स, आइसक्रीम और फ्राइज मंगवाए और बर्गर वर्गर भी बहुत कुछ मंगवाया। गेमर्स टाइम जाया नहीं करते, इसे जल्दी से खाते। लेकिन मुझसे खाया कैसे जाएगा? मुझे अपना सोच कर डर लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं गेमर्स, कोशिश करते हैं खाने की। ओ तो गेमर्स मुझसे खाया नहीं जा रहा, मुझे बस आइसक्रीम अच्छी लगी। फांसी का सोचकर मेरे गले से कुछ भी नहीं उतर रहा। और ये सब खाने के बाद मुझे नींद अलग से आ रही। तो गेमर्स अब भी चलते हैं सोने। ओ ये रहा बेड, इस पर ही सो जाते, फिर बाद में बचा हुआ खा लेंगे। ओ नहीं गेमर्स, ये मैं कहाँ गया? इन्होंने मेरे हाथ क्यों बांधे और यहाँ पर मिलिट्री वाला क्यों खड़ा है? अरे और ये मेरे गले में क्या है? आज तुम्हें होने वाली है फांसी। तेरे पापों का गिलास भर चुका है, तो तैयार हो टॉनी? यस सर, आई एम रेडी। तो खींचो टॉनी। यस सर। तो गेमर्स ये वीडियो तुम्हारे कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। और हाँ एक इम्पोर्टेंट बात और, तो आज का शाउट आउट जाता है अनुराग झा, दीपराज गेमिंग बॉय स्टार और हितेश चून। अगर तुम्हें शाउट आउट चाहिए तो कमेंट करो। अगर ये वीडियो तुम्हारे को अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।